सफेद सिरका तकरीबन हर घर में अवेलेबल होता है, खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम आपको सिरके का इस्तेमाल इस तरह से बताएंगे कि हम प्लांट्स के लिए किस तरह से इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। खुदरो जड़ी बूटियां जो है वो प्लांट्स में उगने लग जाती हैं। इनका नुकसान ये होता है कि जो भी फर्टिलाइजर हम ऑफर करते हैं प्लांट को या जो भी मिट्टी होती है उसकी जो एनर्जी होती है जो प्लांट्स ने लेनी होती है वो सारी ये खुदरो जड़ी बूटियां जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एक चाय का चम्मच आपने व्हाइट विनेगर ले लेना है, मिक्स करने के बाद आप पूरे प्लांट में आपने इसे डाल देना है। तो मिट्टी को और खाद को बगैर नुकसान पहुंचाए जो है वो इन जड़ी बूटियों को तल्फ कर दे। ये बड़ा पॉट है तो इसके लिए जो है वो मैं 2 कप जो है वो उसमें एक एक चम्मच जिस तरह से हमने इस पॉट में डाला है इसी तरह से जो है वो 2 कप पानी के इस पॉट में मैं डालूंगा। चींटियां आ गई है या कीड़े मकोड़े आ गए हैं और आप उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये विनेगर की 1/2 बॉटल जो है वो मैंने इसके अंदर डाली है 1 लीटर पानी में। इस तरह से आपने स्प्रे कर देना है। फ्लावर्स जो हैं वो ज्यादा देर तक खुशबूदार रहे, ज्यादा देर तक वो जो है वो मुरझाएं नहीं। 2 खाने के चम्मच सिरका लेंगे, उसे पानी में मिक्स कर लेंगे। खाने का चम्मच जो है वो आप चीनी ले लेंगे। 1 लीटर तक आप पानी ले लें। ये आप जो है फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से इसको स्प्रे कर देंगे। जो फ्लावर्स आपके प्लांट्स के ऊपर लगे हों आप उनके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और जो आपके पास वेस में लगे हों उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्लावर्स आपने अंदर बुके की सूरत में रखे हुए हैं वो ज्यादा देर तक जो है वो फ्रेश रहेंगे।